Hello everyone, this is Alicia from the Burning Learning Desire, and this is the fourth lecture or the fourth definition we can say on the logical reasoning. Its meaning is it's called theoretical definition. So what do you mean by theoretical definition? Theoretical definition ke liye hamare paas keywords hain controversial, and the example that we are going to discuss here is planet. कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें क्या होती हैं जिसमें हमें अच्छे से पता नहीं होता है, कंक्लूजन पे नहीं हम पहुंचते हैं, वी आर इन दैट स्टेट कि हमें पता नहीं है विच इज़ द ट्रूथ, और वो चीज़ें जो हैं वो उसके बारे में लोगों की बहुत सी राय होती हैं. ठीक है, प्लैनेट क्या है? देखो, पहले हम जब छोटे होते थे तब हमने पढ़ा था देर आर 9 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो. लेकिन उसके बाद में बोला नो, प्लूटो इज़ नॉट आर प्लैनेट, इट इज़ फ्रॉम अनदर वन. तो कॉन्ट्रोवर्सी हो गई ना यहाँ पे कि प्लूटो, पहले हम पढ़ते थे कि ये हमारा प्लैनेट है, अब करते हैं कि नहीं ये हमारा नहीं है. तो इससे रिलेटेड जो हमारी एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसके बारे में डिबेट स्टार्ट हो सकती है, जिसके तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो थेरेटिकल में आती हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन बेस्ड ऑन सम एविडेंस और बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स हम बार बार आगे करते रहते हैं, तो वो चीज़ें चेंज होती रहती है. आज ये है तो कल कुछ और हो जाएंगी. तो ऐसी जब स्टेटमेंट्स आएंगी तो हम उसे थेरेटिकल डेफिनेशन बोल सकते हैं. आई होप यू आर क्लियर विद द स्टेटमेंट थेरेटिकल डेफिनेशन. दिस इज़ द फोर्थ वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल दीज आर 5 इन नंबर्स. एंड सो the main point you're going to focus on here is controversial. Theoretical is controversial. Thank you.